हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। करनाल के फूसगढ़ में मौजूद वाल्मीकि बस्ती में बीते दिनों कुछ बदमाशों ने बस्ती के घरों में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इस घटना से गुस्साए समाज के लोगों ने महापंचायत की, जिसमें सीएम मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी पहुंचे। महापंचायत के दौरान समाज के लोगों ने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन में पुलिस प्रशासन ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो वो आंदोलन की नई रूपरेखा बनाएंगे। बता दें कि समाज के लोग गांव के चौपाल में घटना के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। सीएम के राजनीतिक सचिव ने कहा कि जिनके घरों में तोड़फोड़ हुई है उन 15 पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एक्ट के तहत जो जिन लोगों को कंपनसेशन की बात है और चाहे प्रशासनिक तौर पर और अन्य मदद और जरूरतों की बात है, वो सभी का शीघ्र अतिशीघ्र हम समाधान करने का काम करेंगे। और मैं संघर्ष समिति के सभी साथियों को और विशेष तौर से होसगढ़ के सभी भाइयों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मनोहर जी की सरकार में किसी के साथ अन्याय और अत्याचार हम नहीं होने देंगे। यदि कोई अन्याय और अत्याचार किसी गरीब पर करने का काम करेगा तो पुलिस प्रशासन किसी प्रकार भी दोषियों को हो रही है उसको बिना पूछे मैं कर रहा हूँ।